पुलाव अब क्या करें, अब पेट में जगह नहीं बचा भाई, अब कुछ पीने का मन कर, इस वजह से हमने पुलाव नहीं ट्राई किया। 70 का आपको पड़ेगा, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जो रायपुर के हैं उन्हें पता है इस स्टॉल के बारे में अच्छे तरीके से, जो यहाँ से नहीं है तो अगर आप आते हैं यहाँ MG रोड, जो फूडी लोग है ना उनका अड्डा है ये, यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार बाइक से लोग आते हैं, आराम से बैठने का भी जगह आपको मिल जाएगा, पीछे बैठ के आराम से खा सकते हैं और पैक करा के भी ले जा सकते हैं। रायपुर के MG रोड में आपको पाव भाजी पुलाव का जो स्टॉल है ना, कम से कम 15-20 मिलेगा भाई, इतने सारे स्टॉल है। लेकिन जो हमने आपको दिखाया है ना, वहीं पे जाकर आंख बंद करके ट्राई कीजिएगा, उससे बढ़िया पाव भाजी आपको इस रोड में कहीं नहीं मिलेगा। जी रोड का फेमस चाय पी लिए, पाव भाजी खा लिए, तो अब यहाँ का सोडा पीते हैं। चलिए, सो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं A1 सोडा वाले भैया के पास और यहाँ से हम लोग अभी सोडा ट्राई करेंगे। फ्रेश लेमन सोडा लगाइएगा। एक कितने का भैया? 20 का पर ग्लास। तो ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रेश लेमन सोडा आपको मिलेगा 20 पर ग्लास। तो ये ट्राई करते हैं पाव भाजी के बाद, या सोडा पीने का मन कर, कुछ पीने का मन कर रहा था इस वजह से हमने सोचा क्यों ना सोडा ट्राई किया जाए। वो लेमन डाले ना, और लेमन आप डाल दीजिएगा। पी लेते हैं उसके बाद पैसा देते हैं, ठीक है भैया? तो अपना लेमन सोडा आ चुका है, ये रहा, ये देख भाई A1 सोडा वाले का सोडा सही में बढ़िया है। अब आप बोलिएगा कि आपको कौन बोला यहीं पे जाकर पीने के लिए, तो जहां हमने पाव भाजी खाया ना वो भैया सजेस्ट किए। मतलब हम लोगों से जहां भी जाते हैं ना तो लोकल लोगों से पूछ लेते हैं भाई इस रोड में ये चीज कहाँ मिलेगा बढ़िया, और वो सही सजेस्ट करते हैं, गलत नहीं सजेस्ट करते हैं। वैसे एक चीज मैं देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे राजस्थान के बहुत सारे लोग रहते हैं, क्या रीजन है पता नहीं। अब जहाँ भी गए हैं ना राजस्थान के ही लोग मिले हैं, और आपको पता है ना राजस्थान के लोग के हाथों में कितना जादू रहता है, कुछ भी बनाते हैं ना भाई साहब इतना अच्छा लगता है मत पूछिए।